हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। और विंटर जो है वो इंडिया में ऑफिशियली हर स्टेट में आपको देखने को मिले रहे होंगे जहां पे विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आप नॉर्थ की बात करेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने स्टार्ट हो चुकी है ऊपर हिमालयस के अंदर, तो ये सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ऐसे टाइम पे गाड़ी अगर आपके पास है तो बहुत से लोग कॉमेंट करके पूछ रहे होते हैं तो कि हमें सुबह क्या करना चाहिए, अपना इंजन ऑन रखना चाहिए, कितनी देर ऑन रखना चाहिए, या फिर हमें थोड़ा उसको हीट अप होने देना चाहिए, ये सब क्वेश्चंस के आंसर। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो में बना देता हूं कि आपको जब आप सुबह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें तो आपको क्या एक्चुअल में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि पुरानी जो गाड़ियां आती थी हमारी, उसके अंदर ये दिक्कत होती थी। इतने क्या बोलते हैं, फाइन ट्यून नहीं होते थे इंजन, तो उसके अंदर क्या होता था कि हमें फिर वहां पे लोग क्या करते थे, सुबह अगर बहुत सर्दी में अपनी गाड़ी ऑन करें तो पहले 5 मिनट के लिए छोड़ देते थे इंजन को ऑन करके कि वो अच्छे से अपने क्या बोलते हैं टेम्परेचर पे आ जाए। बट जो आजकल की मॉडर्न कार्स हैं इसके अंदर ये कुछ इतना ज्यादा इशू आपको देखने को मिलता नहीं है। अगर आप इसको थोड़ी देर ऑन रखेंगे अपनी गाड़ी को, ठीक है, मतलब इग्निशन ऑन करके रखेंगे तो वो अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है। बट फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि बर्फ पड़ती है आपके एरिया के अंदर या बहुत ज्यादा ठंड रहती है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि जस्ट फॉर 30 सेकंड आपको अपनी गाड़ी को इग्निशन ऑन करके छोड़ देना है। और ये सिर्फ सर्दियों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, नॉर्मल भी आप ये कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप क्या करते हैं कि जैसे ही आपने सुबह अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम पे, उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा रेव नहीं करनी है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि अच्छे से ल्यूब्रिकेट नहीं होता है हमारे इंजन के अंदर, जो है वो पूरा ऑयल ल्यूब्रिकेट अच्छे से नहीं हो पा रहा होता है, ठीक है। तो उसको एटलीस्ट 30 सेकंड दीजिए, 1 मिनट दीजिए, उसके बाद आप गाड़ी को पहले 30 सेकंड 1 मिनट अगर आप उसको चालू करके डायरेक्टली लेके भी निकल जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट उसको बहुत ज्यादा रेव मत कीजिए, अपने जो एक्सीलेटर है उसको बहुत ज्यादा रेव मत कीजिए। इतना ध्यान में रखिए कि 3000 आरपीएम के नीचे, 2500 3000 के नीचे ही अपने जो है उनको रखिए, बहुत ज्यादा ऊपर लेके मत जाइए, ताकि अच्छे से पहले ऑयलिंग हो जाए उसके बाद आप अपनी गाड़ी को मतलब हाइयर गियर्स में लेके जा सकते हैं, फिर उसकी स्पीड बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बट इतना ध्यान में रखिए कि पहला 1 मिनट है ना जब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करें तो पहले 1 मिनट के अंदर के लिए आइडलिंग स्टेज पे रहने दीजिए, थोड़ा सा इंजन को हीट अप हो जाने दीजिए, ठीक है। अगर आप क्या बोलते हैं हिली एरिया में रहते हैं, ठंड है बहुत ज्यादा, तो उसके बाद उसको गाड़ी को लेके निकलिए और उसके बाद भी 1 मिनट तक बहुत ज्यादा उसको रेव मत कीजिए, प्यार से चलाइए थोड़ा धीरे धीरे एकदम, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि उसके बाद आप अपनी जैसे नॉर्मली चलाते हैं गाड़ी उस तरह से चलाइए, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और थोड़ी सी और बातें इसमें वीडियो में ऐड ऑन कर देते कि अगर आप क्या बोलते हैं कि अभी विंटर्स चल रहे हैं तो फॉग के अंदर गाड़ी चला रहे हैं तो हमेशा अपने फॉग लैंप ऑन करके रखिए, ठीक है। फॉग लैंप ऑन करेंगे तो आपकी गाड़ी क्या बोलते हैं अच्छी विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और कभी भी आपको हाई बीम का यूज नहीं करना है जब भी आप फॉगी क्या बोलते हैं रोड के ऊपर, फॉगी पैच के ऊपर अपनी गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि आपको रिफ्लेक्शन पूरा बैक आएगा, आगे आप खुद नहीं देख पाएंगे। तो अपने फॉग लैंप ऑन करके गाड़ी चलाइए, उसके अंदर आपको अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। और बहुत स्पीड में गाड़ी मत चलाइए, इतनी ही स्पीड रखिए जितना आप कंट्रोल कर पाए, कि अगर आगे एकदम से कुछ आ भी जाता है आपको इतनी विजिबिलिटी आपको दिखनी चाहिए, उतना ही आपको स्पीड रखनी है। अगर बहुत कम विजिबिलिटी है तो 20-30 के ऊपर बिल्कुल भी लेके नहीं जानी है गाड़ी आपको, क्योंकि यहां से दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में एक पैच आता है छोटा सा, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा करनाल सोनीपत के आसपास कहीं पे आता है, वहां पे बहुत ज्यादा फॉग होती है। तो अगर आपने ड्राइव किया होगा उस एरिया में कभी तो आपको ऑलरेडी पता होगा, तो ऐसे टाइम पे अगर आप रात के 12-1-2 बजे कभी ड्राइव कर रहे हैं तो आगे गाड़ी के जस्ट आगे क्या है वो भी दिखाई नहीं देता, इतनी ज्यादा डेंस फॉग होती है। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है कि आपको हमेशा अपने फॉग लैंप ऑन रखने हैं, ठीक है, और गाड़ी को बहुत ही कम स्पीड पे 10-20-30 की मैक्सिमम स्पीड उससे ऊपर नहीं जाना है, और हमेशा एक लेन को फॉलो करके रखिए, ठीक है। कभी भी क्या होता है कि फॉग के अंदर कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि रोड के हम दूसरी साइड चले गए हैं, तो हमेशा एक लेन है वो आपको जो स्ट्रिप्स दिखाई दे रही होती है रोड के ऊपर, हमेशा उसको फॉलो करते हुए चलना है आपको और आगे देखते रहना है। कई बार क्या होता है कोई गाड़ी रुकी हुई है, क्या है दिक्कत है। और एक और बात इसमें एड ऑन कर देते हैं कि आपको अपने जो हैजार्ड लैंप्स है ना, वो गाड़ी अगर आपकी खड़ी है, स्टॉल है, स्टॉल पोजीशन में खड़ी है, तभी आपको हेडलैम्प ऑन करने हैं, अदरवाइज आपको अपने हेडलैम्प्स ऑन नहीं करने हैं। सब लोग यही गलती करते हैं, हैजार्ड लैंप ऑन कर लेते हैं और आगे चलते हैं, तो ऐसे टाइम में पता नहीं चल पाएगा पीछे वाले ड्राइवर को कि आपकी गाड़ी खड़ी है या चल रही है, तो ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये
ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है विंटर्स के टाइम में। सुबह गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है, उसके बाद अगर फॉग में आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, तो ये बातें जरूर से ध्यान में रखिए। अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो औरों तक इसको जरूर से पहुंचाइए, या फिर आपको ऑलरेडी पता है बट बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी गाड़ी चलानी सीखी है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी इंडिया के अंदर जो पेनिट्रेशन है कार का वो बढ़ेगा आगे आने वाले टाइम में, अभी भी ज्यादा बढ़ ही रहा है कंपेयर टू पिछले जो टाइम है। तो एवरी डे न्यू ड्राइवर्स रोड के ऊपर एड ऑन हो रहे हैं, बट उनको ये सब नॉलेज कोई इम्पार्ट नहीं कर रहा है, कोई देने वाला नहीं है। पहले के जो लोग होते थे वो उनको क्या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया रोड के ऊपर चलाते चलाते, तो उनको ये सब चीज़ें पता है, बट न्यू जो हैं हमारे न्यू ड्राइवर्स उनको ये सब चीज़ें नहीं पता, तो उनके साथ ही ऐसी चीज़ें ज़रूर से शेयर करिए ताकि उनको नॉलेज मिल पाए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।